वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस एंड सब बढ़िया। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो शूट करूंगा अबाउट टायर्स। सो आज मैं बाइक्स के टायर के बारे में आज बात करूंगा एंड व्हाट ऑल यू रिक्वायर्ड मेंटेन द कंडीशन ऑफ द टायर। और ये आप पूरा देखना बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो हाँ, तो द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर इज क्रैक्स। कि अगर कोई भी चीज़ हो, वो टायर में कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ में क्रैक्स आए दैट मीन्स खत्म, यू हैव टू रिप्लेस इट। देयर शुड नॉट बी मेनी क्रैक्स ऑन योर टायर्स। अगर क्रैक होगा पंक्चर होने के चांसेस 90% चांसेस है। क्रैक्स कब आता है? टायर की उम्र हो चुकी है। तो सेकेंड पॉइंट, द लाइफ ऑफ द टायर। बाइक टायर विल लास्ट मैक्स टू मैक्स 5 years, उससे ज़्यादा इट कैनॉट लास्ट। सो आफ्टर 5 years यू हैव टू चेंज योर टायर, विच डिपेंड ओनली ऑन द कंडीशन ऑफ द टायर। अगर आप ज़्यादा अपनी बाइक यूज़ करते होगे, अगर आपका जो बाइक की जो रनिंग है वो ज़्यादा है एंड यू यूज़ योर बाइक डेली, देन 5 years इज़ इनफ। यू हैव टू चेंज योर बाइक, सॉरी यू हैव टू चेंज योर टायर। सो 5 years के बाद कीप इन माइंड टू चेंज योर टायर। Is there should not more than 5 punctures on your tire. The fourth point will be guys, sidewall. So this is the sidewall of your tire. Agar wahan pe puncture hoga, then you have to change it immediately. Tubeless mein waisa hota nahi hai. If you having a tube tire and aapka jo sidewall hai वहाँ पे अगर पंक्चर होता है या अनवांटेड सरफेस, सो साइड वॉल पे पंक्चर इज नॉट गुड, यू हैव टू रिप्लेस इट। तो ये 4 पॉइंट जो है ये आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गाइस द TWI। पता आपको क्या है TWI? एट इज थ्रेड वेयर इंडिकेटर। एज यू कैन सी यहाँ पे ये फोटो में आप देख सकते हो जो थ्रेड के डायमेंशंस होते हैं। इफ़ दैट थ्रेड इज नॉट इन अ प्रॉपर डायमेंशन, यानी कि टकला, या टायर इज बिन टकला, देन तो मेरे भाई प्लीज़ बदल लो टायर। सो प्लीज़ डोंट यूज द टायर इफ़ द थ्रेड इज वेयर आउट। द थ्रेडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द टायर। अगर आपके टायर में अच्छी तरीके से थ्रेड होगा देन ओनली योर टायर गुड कंडीशन। अगर नहीं मेरे भाई प्लीज़ चेंज द टायर। आप कहीं भी किसी भी सर्फेस पर आप स्लिप हो सकते हो। इफ़ योर टायर डजेंट हैव अ गुड थ्रेड, आप चलते चलते भी कहीं भी आप स्लिप हो सकते हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग, कीप दैट इन योर माइंड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो टायर का जो साइज़ है दैट इज़ 120/80। सो व्हाट दैट मीन्स, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो माय टायर साइज इज 120/80। नाउ व्हाट इज दिस 120? सो 120 इज द विड्थ साइज इन mm एंड and this 80 is the aspect ratio. Now what is aspect ratio? So this is nothing but the ratio of sidewall height and width size.
इट्स अ बेसिक स्पेसिफिकेशन, सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो और कुछ हुआ आपके टायर को, इट गेट्स बर्स्ट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मैकेनिक को कॉल करोगे तो बोलोगे कि यार मेरा टायर फट गया है, प्लीज़ मेरे ये गाड़ी के लिए टायर लेके आए, तो पहले क्वेश्चन वो आपको ये पूछेगा, सर आपका टायर का साइज़ क्या है। अगर आप उसे बोलोगे मेरी गाड़ी कुछ KTM Duke 390 है, वो टायर लेके आए, नो। सो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज विच एवरी वन शुड अंडरस्टैंड, वॉट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ योर टायर। बस ये दो डिजिट आपको बस याद करना है, मेरा जो है दैट इज़ 120/80, आपका ज़्यादा होगा। सो विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रिम्स। सो आई होप ये आपको बहुत यूजफुल रहा होगा ये वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, एंड इफ यू लव यू माई कॉन्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो एडिटिंग करने के वक्त मुझे पता चला कि यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया। सो द पॉइंट इज गाइज द एयर विच वी फिल इन अ टायर। सो I usually fill nitrogen in my bike tire. अगर मैं मेरी गाड़ी 10 दिन में यूज़ ना करूँ और मैं मेरे पार्किंग में उसे पार्क करके रख दूँ, तभी भी उस टायर का जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा। अगर आप एयर फिल करोगे, द यूजुअल एयर विच वी फिल, तो वो 10 दिन बाद कम हो ही जाता है। मैं 20 दिन तक भी मैं नाइट्रोजन या फिर चेक ना करूँ, तभी भी मेरा जो प्रेशर है वो उतना ही रहता है। सो नाइट्रोजन डजंट गेट रिड्यूस्ड सो ईजीली फ्रॉम योर टायर। सो दैट्स द रीज़न मैं नाइट्रोजन पे स्विच किया। और आई डोंट नो ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैं पहले नॉर्मल एयर फिल करता था मेरे टायर में और जब मैं लॉन्ग राइड करता था, तब मेरा जो व्हील था वो गर्म होता था बहुत, आई डोंट नो क्यू। मैंने मेरे मैकेनिक को दिखाया, देन ही सजेस्टेड मी कि आप नाइट्रोजन फिलअप करके देख लीजिए। सो तब से लेके आज तक मैं नाइट्रोजन ही फिल कर रहा हूँ मेरे टायर पे। आप नॉर्मल एयर भी फिल कर सकते हो, बस नाइट्रोजन थोड़ा बहुत महंगा है। इट कम्स फॉर 10 रुपीज़ पर व्हील, सो दैट इज़ 20 रुपीज़ फॉर अ बाइक। और पुणे में अगर नाइट्रोजन आपको फ्री चाहिए तो वानोडी का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको नाइट्रोजन फ्री मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, आई होप ये आपको बहुत यूजफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर रहा तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना गाइज, एंड इफ़ यू आर लविंग माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय। सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट